छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के महामंत्री अजय भसीन की मुहिम पहले मतदान फिर दुकान का पड़ाव भिलाई में रहा, जिसे लेकर भिलाई के एक निजी होटल में महाव्यापारिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में हजारों छोटे बड़े व्यापारी व उद्योगपति शामिल हुए। इस ऐतिहासिक व्यापारियों की भीड़ ने ये साबित कर दिया है कि विकासशील भारत से विकसित भारत की यात्रा में व्यापारियों की अहम भूमिका होगी। इस सम्मेलन में दुर्ग जिले के छोटे बड़े व्यापारियों ने हजारों की संख्या में उपस्थिति दर्ज कराया और यह बताने का प्रयास किया कि मतदान चाहे कोई भी हो, व्यापारी वर्ग बहुत बड़ा असर हर मतदान पर छोड़ता है। व्यापारियों ने इस सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनाने को लेकर चर्चा की और सभी व्यापारियों ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का संकल्प लिया। इस सम्मेलन में दुर्ग भिलाई के छोटे बड़े व्यापारियों को अयोध्या में विराजित प्रभु राम की मूर्ति का रूप, साथ ही भगवा गमछा और पुष्प देकर सम्मानित किया गया। यह वही छोटे बड़े व्यापारी हैं जिन्होंने अपने कार्य की शुरुआत बहुत ही छोटे स्तर से शुरू किया था और अपनी मेहनत से आज अपने अपने क्षेत्र में एक नाम बना चुके हैं। अपने उद्बोधन में चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश महामंत्री अजय भसीन ने व्यापारियों को कहा कि व्यापारी एकता को संगठित करते हुए पूरे देश को यह संदेश भेजा जाए कि व्यापारी भी विकासशील देश से विकसित देश बनाने में अपनी सर्वोच्च भूमिका निभाएगा। भारत को विश्व की नंबर एक की आर्थिक महाशक्ति के अभिमान को सशक्त करते हुए राष्ट्र में अपना योगदान सुनिश्चित करेगा और यह मांग भी करेगा कि सरकार भी हर संभव प्रयास कर देश के व्यापारियों के व्यापार को सुगम और सरल बनाते हुए देश हित एवं व्यापारी हित में कार्य करे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास से काम करती है और आप देखेंगे कि हमारे यहाँ संगठन भी जो है व्यापारी प्रकोष्ठ से लेके ओबीसी मोर्चा से लेके सारे मोर्चा और सारे प्रकोष्ठ है, आर्थिक प्रकोष्ठ भी है हमारे यहाँ। तो ये जो संगठन है उसके तहत जो है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और व्यापारी एक ऐसा माध्यम होता है जो जनता से डायरेक्ट जुड़ा होता है और इसी के मद्देनज़र जो है, जो हमारे विचारधारा के जितने व्यापारी हैं उनके साथ बैठ के आज सारे विषयों को, और इसके अलावा जो नॉन पॉलिटिकल व्यापारी हैं जो नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, उनकी कार्यशैली को पसंद करते, तो वो चाहते हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, आज उनकी सारे सभी लोगों की आज यहाँ पे बैठक है और बैठक में व्यापारियों का सम्मान समारोह भी रखा गया है। ये जो आयोजन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से रखा गया है जिसमें हमारे संगठन के भी सारे लोग उपस्थित हैं, हमारे बड़े पेलाबचंद बाफना जी उपस्थित हैं, विजय बघेल की तरफ उनके प्रतिनिधि, उनके भाई संजय बघेल जी उपस्थित है, प्रभुनाथ मिश्रा जी उपस्थित है, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, शिव चंद्राकर जी हैं हमारे प्रभारी हैं, विदेश भर के प्रभारी हैं, उसके तहत जो है ये बैठक की जा रही है। कितने लाख से जीतेंगे? नहीं, हमारा तो तय 6 लाख, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैं व्यापारी की शक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जो विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से हमने व्यापारियों की एक टोली बना के बहुत सारी विधानसभा में विपरीत लहर के समय में यह आवाज़ उठाई थी कि व्यापारी इस समय पे सरकार बदल के भाजपा की सरकार लाएगा, उस बात को ध्यान में रखते हुए इस बार जो भाजपा के 3 प्रकोष्ठ होते हैं, आर्थिक प्रकोष्ठ, व्यापारिक प्रकोष्ठ और व्यावसायिक प्रकोष्ठ, उसके साथ में चेंबर को एक प्रकोष्ठ के रूप में जोड़ा गया और मेरे रूप में ये दायित्व दिया गया कि 90 विधानसभा में सिर्फ व्यापारियों का सम्मेलन कराना है और पार्टी ये मानने को तैयार है कि इस समय अगर व्यापारी किसी की आवाज़ पे अगर आगे आते हैं और संगठित होते हैं तो वो चेंबर ऑफ कॉमर्स का आह्वान होता है। और मैंने इस समय पे 46 विधानसभा में बैठ के करा के सम्मेलन आयोजित कराए हैं, व्यापारियों में ये बात संचारित हो गई है कि इस समय पे व्यापारी संगठित होके अगर मतदान प्रतिशत बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और मोदी जी को 400 पार करवाने में मदद करेगा तो आने वाले समय में व्यापारी को भी खुशहाल काम मिलेगा, ऐसा हम समझते हैं। इन व्यापारियों की महाबैठक में वैशाली नगर विधानसभा के विधायक ऋषिकेश सेन विशेष रूप से सम्मिलित हुए और अपने कर कमलों से व्यापारियों का स्वागत सम्मान भी किया, जिससे व्यापारी वर्ग में हर्ष का माहौल देखने को मिला। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।